तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना खाता नंबर कॉपी किया हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको इंटर अकाउंट वेरीफाई करना है, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, इसको भर देते हैं। तो 5EB267, ठीक है, यही है, EB26। यहाँ पर सेंड OTP अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस बैंक से जो नंबर उस पर मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि इस नंबर पे एक OTP आएगा। तो यहाँ पे हमें एंटर OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं दूसरे वाले मोबाइल पे, मेरे OTP आया होगा, मैं OTP को देख लेता हूँ यहाँ पे। तो OTP है आपका 36 36 27 56, 36। यहाँ पर मैं 36 27 56, ये चीज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे खाते में कितने पैसे कब कब आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम नेम है, बेनिफिशियरी ID है, बेनिफिशियरी नेम है, पर्पज़ क्या है, एजेंसी नेम है, अमाउंट कितना हमारे खाते में 54,400 यानी कि 4400 आया है, और यहाँ पर 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर 54,000। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा है सिर्फ खाता नंबर से, और किस स्कीम के तहत कितना पैसा आया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।